वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली, दिस इज रोशनी और आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेगमेंट लेकर आए हैं जहां पर आपके फेवरेट एक्टर उनको किस तरह से खुद को पैम्पर करते हैं, किस तरह से खुद को ग्रूम करते हैं और किस तरह से क्वालिटी टाइम बिताते हैं, आइए जानते हैं उनसे। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। थैंक यू सो मच। पहले सबसे तो ये बताइए कि एक बहुत ही बेहतरीन शो में हम आपको देख पा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप वो प्लॉट? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली अनुपमा बीइंग नंबर वन शो, एवरीबडी वॉचेस दिस, सब लोग देख रहे हैं उसको एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है एंड काफ़ी सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर को लेकर, काफ़ी सारी लेयरिंग है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है एंड धीरे धीरे अनफोल्ड होती रहेंगी चीज़ें, तो ऑडियंस को भी देखने में मज़ा आएगा, तो आई एम हैविंग अ गुड टाइम। काफ़ी नेगेटिव शेड में आप हमें नज़र आ रहे हैं, अनुपमा के फैंस के नज़र से देखा जाए तो? नहीं, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स है एंड भाई के साथ उसका अपना एक अलग लगाव है, अनुपमा के साथ अलग लगाव है, बीवी के साथ अलग है, तो अब वो अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आगे क्या है, बट नेगेटिव नहीं बोलूँगा, आई वुडंट कॉल इट नेगेटिव, लॉट ऑफ लेयरिंग्स, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रेस्ट तो ऑडियंस हैज टू सी। तो यहाँ जब ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, इवन आर्टिस्ट नीड टू ग्रूम देयर सेल्फ या फिर यू नो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेकओवर भी कराते हैं, आज यहाँ पर क्यों आए हैं आप, पहले सबसे तो ये बताइए। समीर जो है ही इज़ लाइक अ ब्रदर, यू नो पहले भी आता रहता हूँ उसके पास, तो आज इनफैक्ट ऑफ था तो मुझे लगा थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, उसके पास जाऊँ और वो देखता हूँ वो क्या बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसका डिसीजन होता है, आई एम जस्ट विद हिम, जो बोलता है वो मैं कर लेता हूँ, तो हाँ आज ऑफ था, मुझे लगा थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को, इससे मुलाकात भी हो जाएगी एंड काम का काम हो जाएगा। लवली, तो आज इनका ऑफ है तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सोचा है खुद के ऑफ वाले दिन के लिए, तो लेट्स टेक अस इनसाइड। जी प्लीज आइए अंदर आइए। आज मेरा ऑफ था, मैंने इनको बताया और मुझे कुछ थोड़ा सा मेकओवर तो क्या आता रहता हूँ यार, बट यू टेल मी क्या एग्जैक्ट एंड देवर आस्किंग मी कि क्या क्या करवाना चाहते हो, मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम, समझ को पता हो, वो तो हम लोग हमेशा मैजिक करते हैं कुछ ना कुछ, तो आई थिंक इस बार भी कलर और कुछ ट्रीटमेंट करते हैं हेयर के लिए, क्योंकि काफ़ी शूट पे हेयर ड्राई डैमेज हो जाते हैं, हीट काफ़ी यूज होती है क्योंकि अगेन अगेन स्टाइलिंग होता है, प्रोडक्ट पता नहीं कौन कौन से यूज़ होते हैं शूट पे, तो हम लोग को नहीं पता होता है, तो आई थिंक ट्रीटमेंट प्लस कलर करेंगे, कलर भी काफ़ी फेड हो गया लास्ट टाइम, अभी लास्ट दो तीन महीने पहले, इट्स बीन थ्री मंथ्स राइट, तो कुछ करते हैं अच्छा होगा। कितना ट्रस्ट दिखा रही है आप में कि मैंने आपको सबसे पहले लाइन मैंने कहा इज लाइक अ ब्रदर, मैं मेरा ऐसा होता है मैं आ रहा हूँ, मैं इट्स नॉट लाइक अपॉइंटमेंट लिया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यार फ्री हूँ कल, मैं आ जाऊँ, कहते आ जाओ भाई, इट्स लाइक दैट। शूट पे काफ़ी बिजी चल रहा है, कुछ नया करते हैं, ट्रस्ट का तो देख ही लिया होगा आपने, तभी शुरू करते हैं वो। चलिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ, तो आपको भी देखकर ऐसा लग रहा है काफी एंजॉय और रिलैक्स फील कर रहे हो आप? मैं रिलैक्स, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द एंड रिजल्ट,
अभी इन बिटवीन है हम लोग, इसको ऑब्वियसली पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है एंड आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यू नो। सो समीर आप बताइए कि ये क्या है और क्या कर रहे हैं आप और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इनके बालों पर? या तो द ट्रीटमेंट कॉल्ड टाइनिनो ट्रीटमेंट, दिस इज लाइक वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू कैरेटीन एंड बोटॉक्स सिस्टीन इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई हैव फाउंड, दैट इज कॉल्ड टाइनिनो प्रोटीन ट्रीटमेंट। So basically it will help to reduce the frizziness and dryness and makes the hair more healthier and shiny. So ironing करने का जो purpose होता है वो ये होता है कि heat जब लगती है ना तो heat से product penetrate होता है cuticles के अंदर। So ये जो product है वो hair की तीन layer होती है, तो उसकी जो in between की जो layer होती है ना उसके अंदर इसको penetrate करते हैं, क्योंकि hair के क्यूटिकल्स प्लस प्रोडक्ट के जो मेडिकल्स होते हैं वो बहुत ही अलग साइज में होते हैं। ओके, तो हीट उसको मेल्ट कर देता है प्रोडक्ट को। ओके, तो उसके जो मेडिकल्स जब मेल्ट हो जाते हैं ना तो ईजिली मेल्ट होके पेनिट्रेट होता है और फिर आइनिंग उसको लॉक कर देता है। तो जितना नीड है ना हेयर को उतना ही प्रोडक्ट अंदर जाएगा लेयर में, बाकी सब वॉश आउट हो जाएगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे तो सेट पर यहाँ पर आपके पास आर्टिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये सारी आपको ग्रूम करने के लिए, पर्सनली कितनी ग्रूमिंग कर पाते हैं आप? देखो ग्रूमिंग ही कर रहा हूँ आज मैं यहाँ पर, जब भी मौका लगता है तो कहीं ना कहीं, अगर दिस थिंग्स आई बिलीव आज की डेट में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, टेकिंग केयर ऑफ स्किन, टेकिंग केयर ऑफ हेयर, जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल है, डाइट है, तो मुझे लगता है कि लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, इन द सेम वे जैसे लोग ख्याल रखते हैं मैं भी जब भी मौका लगता है, चाहे वो स्किन का ट्रीटमेंट हो या हेयर, ऑब्वियसली समीर के पास ही आता हूँ। एंड डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए, डाइट प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो आज की डेट में आई थिंक इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो मैं भी करता हूँ। कोई घर के नुस्खे फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, घर के ऐसे कोई नुस्खे नहीं है। हेल्दी खाओ, खुश रहो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, एंजॉय लाइफ, ज़्यादा हाँ हेल्दी खाओ, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो कि मुझे ये करना है, मुझे आज कैसा निकल रहा है, आज का दिन कैसा है, अच्छा है, खुश हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये मेरा फंडा है पर्सनली, आई बिलीव इन दैट एंड आई लिव लाइक दैट। नेहम, आई एम वेरी 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 हैप्पी एज यूजुअल। समीर के पास आने का यही फ़ायदा होता है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो टेक्सचर देखता है, वो सारी बातें समझ आता है, कि आंखों में बातें हो जाती हैं कि हाँ ये करना है, अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, और वही ट्रस्ट है उसके ऊपर। एंड सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। कलर किया है उसने, फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया है, क्या नाम, टैनिंग नया ट्रीटमेंट है। And he recommended कि ये बहुत ही अच्छा है, and I said yeah go for it yeah whatever you want to do please go ahead, so I'm quite happy about it। काफ़ी soft हो गए हैं, आया था तो काफ़ी rough थे बाल, but I'm feeling very happy and I'm just waiting कि लोग मुझे compliments दें, मुझे अच्छा लगेगा, thank you बोलूँगा। any day मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता भी रहता हूँ कि अगर कभी कुछ मेकओवर चाहिए है, कुछ मैजिक चाहिए है बालों को लेकर, डेफिनेटली दे शुड कम टू समीर सलमानी, बैंड्रा में है यहाँ पर, एंड ही इज़ द बेस्ट।